अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBO सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू लिंक योर YouTube चैनल विद गूगल एड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरह अपने YouTube अकाउंट को, अपने YouTube चैनल को गूगल एड्स के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखो यार, आप लोग यूज कर रहे हो गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म और आप लोगों ने एड जो चलाने वो चलाने हैं YouTube के ऊपर, तो सबसे पहले आप लोगों को इनको आपस में लिंक करना पड़ेगा। जब तक आप इन्हें लिंक नहीं करोगे तो आप पर्टिकुलर चैनल की वीडियो के लिए एड रन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके क्लाइंट के पास एक वीडियो है, उसके पास कोई चैनल नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग उसका एक चैनल क्रिएट करोगे, वहां पर उस वीडियो को अपलोड करोगे। और मोस्टली होता यही है कि लोग उस वीडियो को पब्लिक नहीं करते बल्कि अनलिस्ट रखते हैं, और अनलिस्ट रखने का उनका मेन पर्पज यही होता है कि यार वो डायरेक्टली देख लें कि कितने व्यूज उनकी वीडियोज के ऊपर आ रहे हैं, तो वो अनलिस्ट करके ही मोस्टली जो एड्स उन्हें रन कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, पब्लिक वीडियो रख के भी उसके ऊपर एड रन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन फोकस है वो इस चीज पर आप लोगों का होना चाहिए कि आप लोगों के पास एक चैनल हो और उस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो जो आपने प्रमोट करनी है, और दूसरी चीज उस यूट्यूब चैनल को आप लिंक करेंगे गूगल एड्स के अकाउंट के साथ। और इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है सेटिंग्स पर, और यहां पर आप क्लिक कर देंगे लिंक्ड अकाउंट्स के बटन पर। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप लिंक्ड अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर डिटेल आ जाएगी कि यार आप लोगों का कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो यहां पर लिंक है। हमारा यहां पर सिर्फ अभी फोकस है यूट्यूब के ऊपर, तो हम बाकी सारी चीजों को छोड़ देते हैं। हम यहां से क्लिक करते हैं YouTube आ रहा है, यहां से डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिटेल्स के बटन पर क्लिक करते हो यहां पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है एड चैनल के बटन पर। यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले उस चैनल को सर्च करना है जिसको आप यहां पर लिंक करना चाहते हैं। तो मैं अपने यहां पर सेकंड चैनल को सर्च कर लेता हूं, तो यहां पर आ रहा है मेरा सेकंड चैनल और इसके ऊपर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अब चैनल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, आई ऑन दिस चैनल और समवन एल्स ऑन दिस चैनल। अब इस ये ऑप्शन क्यों जरूरी है, अगर तो आपका अपना चैनल है तब आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे आई ऑन दिस चैनल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे गो टू यूट्यूब के बटन पर क्लिक करोगे तो आप अपने चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे एक्सेप्ट करोगे, या फिर आपको ईमेल आ जाएगा और वहाँ से आप उसे एक्सेप्ट करोगे और आपका चैनल जो है वो लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज आप अपने क्लाइंट का यूट्यूब चैनल या उसकी वीडियो प्रमोट करना चाहते हो अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करोगे समवन एल्स ऑन दिस चैनल, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस एंटर करते हो जो कि आपके क्लाइंट का है, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, तो वो चैनल जो है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि उस चैनल को लिंक किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी चैनल को उठा के, किसी की भी वीडियो को उठा के आप प्रमोट कर दोगे, इस तरह नहीं हो सकता। सबसे पहले आप लोग जिस भी चैनल की वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हो वो एक स्पेसिफिक गूगल एड्स के अकाउंट के साथ लाजमी कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप उस वीडियो को प्रमोट नहीं कर सकते। नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन नज़र आ रही हैं, और उसको जिस बंदे को आप ईमेल जिसका है उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसका चैनल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप अपना चैनल लिंक कर देते हो, बाद में जो आपकी अपनी ऑडियंस है आप उन्हें रीटारगेटिंग कर सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन जो मेन पर्पस और गोल है वो यही है कि जब तक आपका चैनल यहाँ पर लिंक नहीं होगा या आपके क्लाइंट का गूगल एड्स के अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा तो आप उसे उस पर ऐड नहीं चला सकते। तो जैसे यहाँ पर जितने भी आपके चैनल लिंक होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, बाद में आप उन्हें अनलिंक कर सकते हैं। सपोज आपने अपने क्लाइंट का चैनल यहाँ पर लिंक किया और आपका काम खत्म हो गया, आप उसे अब अनलिंक करना चाहते हो, तो आप इजीली यहाँ से अनलिंक का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके जो क्लाइंट का चैनल है वो अनलिंक हो जाएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरह यूट्यूब को आप गूगल एड्स के साथ लिंक कर सकते हो और ये क्यों ज़रूरी है। मेन चीज़ यही होती है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो कि यार ये चीज़ होती किस चीज़ के लिए है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होती है, तो कोई भी चीज़ सीखना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में एड्स रन करने की तरफ जाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह एड्स को प्रॉपरली रन किया जाता है, किस तरह कैंपेन सेटअप की जाती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।